रचना हूँ। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम प्रार्थना सभा में आज की प्रार्थना के लिए देवनंदा को बुलाना चाहती हूँ। कण कण में है वो ईश्वर समाया, कण कण में है वो ईश्वर समाया, हम सब जहां में उसी की है छाया, हम सब जहां में उसी की है छाया, है हम सभी उस प्रभु के खिलौने, है हम सभी उस प्रभु के खिलौने, सगरा जगत है उसी की ही माया, सगरा जगत है उसी की ही माया, कण कण में है वो ईश्वर समाया, कण कण में है वो ईश्वर समाया। आप मैम नंदना कृष्णा को प्रतिज्ञा के लिए बुलाना चाहती हूँ। प्रतिज्ञा, भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरा भाई बहन है, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, इसकी समृद्धि एवं विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है, मैं सदा इसका स्वयंक अधिकारी बनने का प्रयत्न करता रहूँगा, मैं अपने माता पिता शिक्षकों एवं गुरुजनों का सम्मान करूँगा और प्रत्येक के साथ विनित रहूंगा, मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ, इनके कल्याण एवं संस्कृति के ही मेरा सुनिहित है। जय हिंद। आप मैम गायत्री को आज का विचार प्रस्तुत के लिए बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार। एकता में बल है पर निबंध, एकता में बल है एक पुरानी कहावत है, आज के समय में भी यह कहावत उसी सच की तरह है जैसे यह पहले के जमाने में होती थी। इसका मतलब है कि अगर हम एकजुट रहे तो हम मजबूत हो जाते हैं। एकता में बल है एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कहावत है, जिसका महत्व लगभग हर क्षेत्र में है। यह एक व्यक्ति को पौरोवर जीवन संबंध या समाज को एक संपूर्ण रूप में दर्शाता है। धन्यवाद। अब मैम अनिका एजे को आज के मुख्य समाचार पढ़ने के लिए बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार। आज का मुख्य समाचार, देशों में 75 लाख से ज्यादा लोग हुआ कोरोना से ठीक, सिर्फ 6.82% बजे है। पीएलए को लेकर अब चीन ने बनाया बड़ा प्लान, भी जिनपिंग ने लिया फैसला। आईपीएल 2020 670 रनों के साथ केएल राहुल के पास ऑरेंज कैप बरकरार, पर्पल कैप पहुंची बुमराह के पास। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके शाह कॉनरी का 90 साल की उम्र में हुआ निधन। भारत में ट्विटर हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे ट्वीट। आज है कि आप सभी को हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।